नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में अपने को पता है अपने टोटल 8 स्टेट्स काउंट होते हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, और सिक्किम को छोड़ दें तो अपन 8 इंक्लूड होते हैं। अगर पॉलिटिकली अपन 8 देखते हैं, लेकिन जियोग्राफिकली अपन देखें तो 7 स्टेट होते हैं, 7 सिस्टर अपन जिनको बोलते हैं। पहले अपन उनका मैप देख लेते हैं, फिर उनकी वो अपन रेंजेस देख लेंगे। ये देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में 4 रेंजेज हैं टोटल, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। तो इनमें जो मिसमी है ये हाईएस्ट पीक है, और इनका ये नो इससे वेस्ट और नॉर्थ से साउथ यही क्रम रहेगा। ये पूछते हैं ऐसे, डफला मीरी अबोर मिसमी, डफला मीरी अबोर मिसमी, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नागालैंड में है नागा रेंज, मणिपुर में है वो मणिपुर रेंज, मिजोरम में है मिजो रेंज, और त्रिपुरा में त्रिपुरा रेंज, और आसाम में मिकिर एंड रेगमा हिल्स हैं, और शिलोंग में गारो, खासी और जयंतिया, ये पीक्स हैं। नागालैंड जो अपनी नागा हिल्स है इसकी सबसे ऊंची पीक है माउंट गेरीमाथा। मिजो हिल्स जो उनकी है उनकी ब्लू माउंटेन, और त्रिपुरा की त्रिपुरा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये इतना ही है अपना। और जो लॉक मणिपुर रेंज है उसी रेंज में लॉकटक लेक अवस्थित है, और ये लॉकटक लेक है ये इधर नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे अभी हाइड्रो पावर प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है, जिसके कारण ये लॉकटक लेक खतरे में है, और इसीलिए इसको रामसर साइट के मोनटक्स रिकॉर्ड में रखा गया है इसको। इसी में यहाँ पे वो फ्लोटिंग आइलैंड्स मिलते हैं जिनको अपन फुमडी बोलते हैं, और इन्हीं फुमडी पे एक से दूसरे पे वहाँ पे जो जो गोट डियर मिलता है वो मतलब एक फुमडी से दूसरी फुमडी पे कूदता रहता है, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं अपन। चलिए फिर अपन हिमालय का, अपन ने पहले नॉर्थ से साउथ में अपन ने डिवीजन पढ़ा था जो था ऐसे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इस पूरे हिमालय को अपन ईस्ट से वेस्ट ऐसे बांटते हैं। जो ये पूरा हिमालय इसमें जो अपने एंटीसीडेंट रिवर्स हैं अपनी, पहली एंटीसीडेंट रिवर इंडस रिवर, दूसरी एंटीसीडेंट रिवर सतलुज रिवर, तीसरी एंटीसीडेंट रिवर काली रिवर जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं इंडिया में, चौथी है तीस्ता रिवर जो अपने सिक्किम से जिसका ओरिजिन होता है तिस्ता रिवर का, और पांचवी है दिहांग रिवर जिसको तिब्बत में पहले सांगपो बोलते हैं फिर दिहांग बोलते हैं, और फिर इंडिया में अपन इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। जो सबसे वेस्टर्न एरिया है उसको अपन बोलते हैं कश्मीर हिमालय, इंडस और सतलुज रिवर के बीच में। इस की सबसे मतलब वो विशेषता क्या है इसकी, इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है चौड़ाई, एवरेज मैक्सिमम विड्थ इस पार्ट की होती है कश्मीर हिमालय की। फिर अगला है सतलुज से लेके काली रिवर तक का, उसको अपन बोलते हैं कुमायूं हिमालय, और इस हिमालय में ग्लेशियर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फिर काली रिवर से तिस्ता रिवर तक अगला है वो नेपाल हिमालय है, इस नेपाल हिमालय में आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, तो इसमें इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एवरेज मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं कश्मीर हिमालय से आगे कश्मीर तिस्ता रिवर से लेके और दिहांग रिवर तक, या ब्रह्मपुत्रा रिवर बोल दो, इसको अपन बोलते हैं आसाम हिमालय। इस समय आपको पता है मेघालय आता है, मेघालय में चेरापूंजी मौसिनराम सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, और इसीलिए इस पार्ट को अपन हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कौन कौन सी ये सारी रिवर जो एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर जिनका ओरिजिन ग्रेटर हिमालय से भी पहले से हुआ है, यानी जो ट्रांस हिमालय से निकल के आती हैं, कौन कौन सी हुई, इंडस, सतलुज, काली, तिस्ता, दिहांग, और इसी हिसाब से हमने इस हिमालय को डिवाइड किया, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, ठीक है। मतलब जो रीजन का जो फेमस एरिया जहाँ पे है, कश्मीर में कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश का कुमायूं वाला रीजन कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, ठीक है। कश्मीर वाले रीजन में जैसे लेह लद्दाख, उस रीजन में वो जो पहाड़ है वो सबसे चौड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे विड्थ सबसे ज़्यादा है। कुमायूं हिमालय में आपको पता है ग्लेशियर सबसे ज़्यादा है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो यहाँ पे ग्लेशियर सबसे ज़्यादा हो गए, ठीक है। फिर नेपाल हिमालय, या नेपाल हिमालय में क्या होगा, एवरेज मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, हाइट इसकी सबसे ज़्यादा है। फिर आया आसाम हिमालय, तो आसाम हिमालय में यहाँ पे अपने को पता है बारिश सबसे ज़्यादा होती है, मौसिनराम, चेरापूंजी, मैक्सिमम रेनफॉल एंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। चलिए
अब अपन आते हैं जो अपना अभी तक अपन पहला पार्ट पूरा कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी का, दैट वाज हिमालयन रीजन या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा पार्ट है जो प्लेन रीजन है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ते हैं पेनिनसुलर रीजन या पठारी क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं। पेनिनसुलर रीजन को अपन 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है ईस्टर्न प्लेटू, तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, चौथा पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू, पांचवा होगा सदर्न हिली रीजन दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, छठा होगा पश्चिमी एवं पूर्वी घाट। सेंट्रल, अब इसमें से अगर अपन सेंट्रल हाईलैंड एक एक को पढ़ते हैं, सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट सबसे पहले, तो इसमें अपन पढ़ेंगे एक अरावली पढ़ेंगे, मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्य माउंटेन पढ़ेंगे, सतपुड़ा माउंटेन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन जो अपना दूसरा उसमें होगा वो है अपना ईस्टर्न प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड के बाद ईस्टर्न प्लेटू, और इन दोनों को जो अलग करने वाली संरचना है वो है बघेलखंड का प्लेटू। जैसे ये सेंट्रल हाईलैंड और ये अपना ईस्टर्न प्लेटू, ये तो ये बीच में जो है वो बघेलखंड का प्लेटू है। अब ईस्टर्न प्लेटू है, इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? ये लो जी, ये छोटे नागपुर का पठार, ये छत्तीसगढ़ का बेसिन, और ये दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडकारण्य का पठार। ठीक है, फिर आ जाता है उसके बाद आ जाता है आगे उत्तरी पूर्वी पठार, जिसको अपन बोलते हैं मेघालय का पठार। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो है उसको अपन बोलते हैं संरचनात्मक बेसिन। ये मेघालय का पठार हो गया, उत्तरी पूर्वी पठार हो गया। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? सेंट्रल हाईलैंड, पूर्वी पठार, मेघालय का पठार। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दक्कन ट्रेप, जैसे अगर इसको अपन ऐसा डायग्राम बनाएं, इसका ये मान लो ये पूरा है अपना दक्कन का पठार, तो ये दक्कन ट्रेप, ये वाला पार्ट कर्नाटका का पठार, और ये आंध्रा का पठार, ये डेक्कन ट्रेप। डेक्कन ट्रेप, कर्नाटका पठार, आंध्रा पठार। फिर अपन बात करते हैं दक्षिण दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में अपन नीलगिरी पर्वत पढ़ेंगे, अन्नामलाई पढ़ेंगे, कार्डेमम पढ़ेंगे, पालनी पर्वत पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं सबसे पहले आप डिटेल में अपन पढ़ेंगे अरावली माउंटेन रेंज को। अरावली माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज अपने गुजरात के अहमदाबाद से लेके और दिल्ली के प्रेसिडेंट हाउस या आप उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आप बोल सकते हैं कि यहाँ तक ये फैली हुई है। ठीक है, तो अब इसके जो वेस्टर्न पार्ट है, जो अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं राजस्थानी बागड़। राजस्थानी बागड़ जो राजस्थान का प्लेन रीजन है, और इसको लूनी रिवर इसको ड्रेन करती है। लूनी रिवर, उसके कुछ ब्रांच जैसे सुकड़ी, जवाई, ये इसको ड्रेन करती हैं। जबकि ईस्टर्न प्लेन है, इसमें अपन ने इसको अपन ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, हाड़ोती का पठार, मालवा का पठार, और ये बनास नदी। बनास नदी इस पार्ट को ड्रेन करती है। अरावली, अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद तक है। ये प्राचीनतम और मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत का मतलब जो माउंटेन पहले कभी था, अभी इसका वो मतलब अपक्षयन हो गया हवा से, पानी से, जैसे भी हुआ, तो ये अवशिष्ट पर्वत बच गया अब, और फोल्ड माउंटेन ये है। और ये राजस्थान जो इसके वेस्ट में बागड़ भूमि है, और इधर ईस्ट में इसके सेंट्रल हाईलैंड है। तो ये राजस्थानी बागड़ को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। जैसे ये अरावली हो गया, इधर वाली सेंट्रल हाईलैंड, और ये इधर वाली राजस्थानी बागड़। इसको अपन वाटर डिवाइड और क्लाइमेट डिवाइड भी, जल विभाजक और वायुमंडल विभाजक भी इसको बोल देते हैं अपन।
लोनीस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान के मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान। इसमें अपन ने बताया इसमें लूनी नदी है और इधर से इसके बनास नदी निकलती है। लूनी नदी के साथ ऐसा है कि जब इसमें पानी ज़्यादा होता है तो ये कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाती है, नहीं तो इनलैंड ड्रेनेज ये कर जाती है अपना। ये जलवायु विभाजक भी है। अब इसमें फिर इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है कि संसाधन की रिसोर्सेज होती है, संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र से में तांबे की खदानें मिलेंगी आपको। सीसा, जस्ता, अबरक और चूना पत्थर के भंडार इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है मेवाड़ के पठार का विस्तार। मेवाड़ का पठार है वो राजस्थान मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और अरावली पर्वत को मालवा पठार से अलग करने वाली संरचना है ये। अब मेवाड़ के पठार से बनास नदी का उसको ड्रेन करती है। फिर जो मालवा का पठार है वो बेसाल्ट से बना है, इसे राजस्थान में हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अब जो बेसाल्ट से जो बना होता है उसके साथ क्या होता है कि बेसाल्ट मतलब वल्केनों से निकली हुई जो लावा है उससे बनता है ये ज्वालामुखी से, तो इसके अपक्षिण से काली मिट्टी बनती है और ये काली मिट्टी कपास के लिए, गन्ने के लिए, अगर पानी जहाँ पे ज़्यादा हो तो गन्ने के लिए, अगर पानी नहीं हो तो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। तो राजस्थान में और MP का जो मालवा वाला रीजन है वो कपास की खेती के लिए उपयोगी है और ये अफीम की खेती के लिए भी उपयोगी होता है, इसलिए अफीम के कल्टिवेशन भी इस एरिया में होता है। और जो मालवा का प्लेटू है इसको चंबल रिवर ड्रेन करती है इसको। और चंबल रिवर के कारण क्या है, चंबल रिवर अपने वो इरोजन बहुत ज़्यादा करती है, जल का अपरदन बहुत ज़्यादा करती है, तो जिसके कारण इसको बीहड़ या उत्खात भूमि भी कहते हैं, ये मतलब बेडलैंड टोपोग्राफी इसको बोलते हैं वहाँ पे। अब अगर अपन एक इसकी प्रॉपर स्टडी देखें तो ये अरावली रीजन, ये इधर वाला राजस्थानी बागड़ रीजन, बागड़ रीजन लूनी सुकड़ी जवाई रिवर से ड्रेन होता है। ये क्या आ गया, टेबलेट ड्राइवर यू हैव अटेम्प्टेड टू, ठीक है। फिर इसको अपन इसके प्लेटूज अपन ने बताए, मेवाड़ प्लेटू, मालवा प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। इसके जो सेंट्रल हाईलैंड के तीन पार्ट हैं, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड। मेवाड़ को जो रिवर ड्रेन करती है वो है बनास रिवर, ठीक है। मालवा को जो ड्रेन करती है वो है आपकी चंबल रिवर। बुंदेलखंड को जो रिवर ड्रेन करती है वो बेतवा रिवर है, ठीक है। और उसके बाद ये बघेलखंड प्लेटू आ गया जो आगे ईस्टर्न प्लेटू से इसको अलग करता है, और इसके नीचे ये आ गया विंध्यन, और विंध्या के नीचे आपको मिलेगी सतपुड़ा रेंज, ठीक है। जो मालवा प्लेटू है वो बेसाल्ट रॉक से बना है, जबकि मेवाड़ और बुंदेलखंड है वो ग्रेनाइट रॉक से बने हैं। ग्रेनाइट रॉक के अपक्षिण से लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल बनती है, जबकि मालवा के बेसाल्ट के अपक्षिण से ब्लैक सॉइल बनती है, जिसमें कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। फिर यमुना बेतवा जो रिवर है, देखो बनास रिवर चंबल में ड्रेन करती है और चंबल रिवर यमुना में ड्रेन करती है, बेतवा रिवर भी यमुना में ड्रेन करती है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं ना वो हैं चार, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब ट्री याद कर सकते हो, चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो दो तो अपन ने यहाँ पे पढ़ ली, चंबल और बेतवा, ठीक है। इस यहीं पे आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, केन रिवर का वाटर बेतवा में डाला जाएगा, मतलब हमेशा ऐसे ही होता है, जो भी जिस रिवर का नाम पहले आता है उसका पानी बाद वाली रिवर में डाला जाता है। सतलुज यमुना लिंक, सतलुज का पानी यमुना में डाला जाएगा, तो केन बेतवा लिंक, केन का पानी यमुना में डाला जाएगा, बेतवा में डाला जाएगा। और इसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका बहुत ज़्यादा पानी एरिया और डूब जाएगा, तो इससे NGT को इससे प्रॉब्लम है और इन्वायरमेंटलिस्ट को प्रॉब्लम है। तो ये केन बेतवा लिंक का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और जो सेंट्रल हाईलैंड जो रीजन है ये पूरा का पूरा ये मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र है। सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है, क्योंकि जो ये अरावली है ये जो इधर से जो मानसून की जो हवाएं आती हैं उनके पैरेलल है, तो यहाँ से ये इसके बिना टकराए सीधी निकल जाती है, तो यहाँ पे बारिश होती नहीं है। और जो इधर वाली जो मानसून की जो आती है रेंज वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम हो जाती है। तो मानसून की जो प्रोसेस है उसमें अपन पूरा पढ़ेंगे कि कौन से दो जो मानसूनी
ब्रांचेज आती हैं और कैसे काम करती हैं, वो मानसून के प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे पूरा। मध्य प्रदेश में बघेलखंड और बुंदेलखंड का विस्तार है जो केंद्रीय उप ठीक है कि अब अपन पढ़ लेते हैं विंध्यन रेंज, विंध्यन माउंटेन। तो हमने बताया जो अरावली था वो ओल्ड फोल्ड रेजिडुअल माउंटेन था, मतलब मोड़दार अवशेषी और पुराना था, ठीक है। विंध्यन अपने अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? अहमदाबाद से राष्ट्र प्रेसिडेंट हाउस तक। अब ये फैला हुआ है विंध्यन जो फैला हुआ है वो गुजरात के जोबाट से लेके और बिहार के कैमूर तक फैला हुआ है। विंध्यन पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा घाटी से अलग करता है। इसके नीचे से ये नर्मदा रिवर निकलती है यहाँ से सदन से, और इसके नीचे सतपुड़ा की रेंज है और यहाँ से निकलती है तापी रिवर। ये हमने बताया सेंट्रल हाईलैंड थी, ये राजस्थानी बागड़ था। राजस्थानी बागड़ को सेंट्रल हाईलैंड से अलग कौन करता है? अरावली। सेंट्रल हाईलैंड को नर्मदा वैली से अलग कौन करेगा? विंध्या। और नर्मदा वैली को ताप्ती वैली से अलग कौन करेगा? सतपुड़ा। इसे गुजरात में मैसूर हिल कहते हैं, कैमूर हिल कहते हैं। ये लाल बलुका पत्थर से बनी हुई है और चूना पत्थर चट्टान से बनी है, इसलिए इसमें क्या है कि मिनरल्स तो ज़्यादा नहीं मिलते लेकिन इमारती पत्थर इसमें ज़्यादा मिलते हैं जो भवन निर्माण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो हमने बता दिया। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या होता है? जैसे मान लो कि ये है पूरा, इधर वाला कट गया, इधर वाला कट गया, ये बीच में माउंटेन खड़ा रह गया, ये इधर वाले का इरोजन हो गया, इधर वाले का, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का ये भी एक मुख्य जल विभाजक है। जैसे अरावली भी जल विभाजक था, ये भी जल विभाजक है। जल विभाजक क्यों बोलते हैं? ऐसे रिवर जिनसे मतलब जिस माउंटेन रेंज से निकलने वाली रिवर, इधर से निकलने वाली रिवर इधर, मतलब ये इधर जो अरेबियन सी में जाएंगी और इधर निकलने वाली जाएंगी, इधर अपनी बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। तो अरावली में हमने क्या बताया? इधर से लूनी निकली, इधर गई। अब इसमें जो इधर से निकलती हैं चंबल है, वो सारी इधर बे ऑफ बंगाल में आ रही थी। वैसे विंध्या के साथ हैं। तो विंध्यन में क्या है कि इसके ऊपर वाली रिवर जैसे नर्मदा है तो वो कहाँ पे जा रही है? इधर अरेबियन सी में, जबकि इसके इधर से काफ़ी सारी नीवल निकलती हैं वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। या आप बोल सकते हो कि गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को, जो पेनिनसुला ऊपर वाला रीजन क्या हो गया? इंडो गंगेटिक प्लेन हो गया, और नीचे विंध्या के नीचे वाला वो हो गया पेनिनसुलर रीजन। चलो फिर अपन पढ़ते हैं अब ईस्टर्न प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड अपन ने पढ़ा, अरावली पढ़ा, राजस्थानी बांगड़ पढ़ा, ईस्ट सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा, फिर बघेलखंड पढ़ा, और अब अपन पढ़ते हैं ईस्टर्न प्लेटू। तो ईस्टर्न प्लेटू को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू और छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडकारण्य प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू को अपन फिर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू को रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल का पर्वत। देखो इनकी लोकेशन ऐसे है जो नदन रेंज है, नदन पार्ट में है इस पूरे जो छोटा नाग रांची का पठार है, इसके छोटा नागपुर पठार के नदन रेंज है उसको अपन बोलते हैं हजारीबाग का पठार। जो नॉर्थ ईस्ट में है उसको अपन बोलते हैं राजमहल का पर्वत, और जो साउथ में है उसको अपन बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है। अब चलते हैं अपन जो इसका रांची का पठार है इसमें से इसको ड्रेन करती है दामोदर रिवर। इस डायग्राम में देखिए इसको करती है दामोदर रिवर ड्रेन करती है। और जो अपने जो राजमहल पर्वत है नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में जो हजारीबाग का है, इन इन दोनों के बीच से रिवर कौन सी ड्रेन करती है? स्वर्णरेखा ड्रेन करती है। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का बेसिन, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर होगी? स्वर्णरेखा, जो नॉर्थ सबसे नॉर्थ में स्वर्णरेखा, और उसके बाद दामोदर। फिर आएगा छत्तीसगढ़ बेसिन, उसके बाद आ गई उसको रिवर कौन सी ड्रेन करती है? महानदी। और जो दंडकारण्य बेसिन आ गया इसको कौन सी रिवर ड्रेन करती है? इंद्रावती। अब जो दामोदर रिवर है ये रिवर इसमें कोयला भंडार मिलते हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे कोल मिलता है अपने को, ठीक है। और जो स्वर्णरेखा रिवर है ये रिवर रिजुनुवेशन का उदाहरण है। रिवर रिजुनुवेशन क्या होता है? जैसे कोई रिवर पहले नॉर्मली यूँ धीरे धीरे फ्लो कर रही है और जाके ये सी में मिल गई, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट हुआ लैंड का। अब क्या हुआ?
ये लैंड यहाँ से अपलिफ्ट होके ऐसे हो गई। तो अब क्या हो गया, जैसे ये रिवर यहाँ पे आई, इसने फिर से स्पीड पकड़ ली। अब कोई से भी रिवर के फ्लो के तीन पार्ट होते हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो इसकी स्पीड जैसे कम होती जाती है उस हिसाब से स्टेज आती है। इसने यूथ स्टेज से मैच्योर में आई, अब स्पीड फिर से पकड़ ली तो यूथ स्टेज में आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर रिजुनुवेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको रिवर, ये स्वर्णरेखा रिवर रिवर रिजुनुवेशन का एग्जाम्पल है। दामोदर रिवर, यहाँ पे कोल मिलती है। फिर आगे छत्तीसगढ़ बेसिन, ये महानदी रिवर है, इसमें भी कोयला मिलता है। अच्छा, स्वर्णरेखा रिवर का जो रिवर रिजुनुवेशन का एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे एक जो फॉल बना था उस फॉल को बोलते हैं हुंडरू फॉल, हुंडरू फॉल, ठीक है। फिर और जो दंडकारण्य बेसिन है, इसको बोलते हैं इंद्रावती। इंद्रावती रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है, जो कि गोदावरी की सहायक रिवर है। दंडकारण्य रिवर है, दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये पूरा जंगल से भरा हुआ है, और इसी एरिया में नक्सली अपने सबसे ज़्यादा पनपते हैं। जो छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वो सबसे ज़्यादा ये दंडकारण्य वाला है। और जो राजमहल पर्वत जो अपना एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट का, छोटा नागपुर का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सुमात्रा ज्वालामुखी पर्वत प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, उसके कारण बना हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची पीक है वो डलमा हिल्स है। अभी जो मैंने ऊपर सबसे पहले बताया आपको, उसी का इसमें डिस्क्रिप्शन सारा सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी आप एक बार रीडिंग लगा लें, हो जाएगा। ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ उसी में ही पहले ही। ये हाँ, छोटा नागपुर क्षेत्र जो पूरा है, यहाँ पे टापू रूपी जो स्थली उठी हुई है, उनको अपन स्थलाकृति को अपन पेटलैंड बोलते हैं। ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो अपना था वो ग्रेनाइट का बना हुआ, और उसमें ग्रेनाइट के से पहाड़ मिलते हैं बीच बीच में, तो उनको पेटलैंड बोलते हैं। और जो ग्रेनाइट है ये पूरा सुमात्रा ज्वालामुखी से निकला है। लावा तो आपको पता है पूरा किससे निकलता है, जो लावा कैसे बनता है, जो अंदर वाली अपने कोर मेंटल उनके पिघलने से उनसे बनता है। तो ये पूरा का पूरा वो मिनरल रिच सोर्सेज है, और इसी मिनरल सोर्स के कारण यहाँ पे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसी आयरन के एक्सट्रैक्शन के कारण यहाँ पे अपने जो आयरन स्टील लो इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ। ये मतलब पूरा आपका ये झारखंड वाला क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र में जहाँ पे जमशेदपुर, जिसको स्टील सिटी भी बोलते हैं, वो पूरी इसी एरिया में है। यह औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्यों है वो, अपने पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिसी मेकिंग के कारण ये पिछड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़मीन तो ले लेते हैं, फिर उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलता नहीं है, न रिहेबिलिटेशन होता है, न वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो उनके कारण है। छत्तीसगढ़ बेसिन, छोटा नागपुर, ये रांची पठार का दंडकारण्य पठार को अलग करने वाली संरचना है, और ये महानदी गुजरती है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार बोलेंगे इसको, तो ये लेटराइटिक सोयल का बना है, और यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम है। इसमें मेघालय के पठार को अपन ने तीन पीक, तीन जो रेंज है इसमें, तीन रेंजेज हैं। कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। गारो की सबसे ऊंची पीक जो है वो है नोकरेक, खासी की जो सबसे ऊंची पीक है वो है शिलोंग, और जो जयंतिया की जो सबसे ऊंची पीक है वो है जवाई, ठीक है। जो खासी, जो शिलोंग खासी वाली रेंज है, गारो, खासी, जयंतिया, इसी रेंज में अपने जो मौसिन राम, जो हाई सबसे ज़्यादा वर्षा वाला है, या जो चेरापूंजी जिला है और मौसिन राम गाँव का नाम है, वो सब इसी खासी रेंज में है, ठीक है। नोकरेक नेशनल पार्क है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि नोकरेक नेशनल पार्क कौन सी रेंज में है, गारो रेंज में है। शिलोंग कहाँ पे है, मेघालय की राजधानी, खासी रेंज में है। चेरापूंजी कहाँ पे है, खासी में है। मौसिन राम कहाँ पे है, खासी में। जयंतिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, जोवाई पीक है, ठीक है। अभी अपने पढ़ा ये ईस्टर्न
ईस्टर्न प्लेटू था और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है। अब इन दोनों के बीच में जो ये है ना, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन ने राजमहल पर्वती बोला था, इसको गारो बोला, तो राजमहल गारो गैप भी बोल देते हैं इसको, इसको संरचनात्मक बेसिन भी बोलते हैं। और ठीक है, अब जो वो संरचनात्मक बेसिन था, इसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर अपने साथ जो भी बहा के लाती हैं, जो निक्षेपण, जो अवसाद होते हैं, वो यहाँ पे इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये डिपॉजिट होते होते ये जो वो फर्टाइल लैंड होती है, वो डिपॉजिट होते होते डेल्टा बन गया, पूरे डेल्टा के मैदान में ये परिवर्तित हो गए। ठीक है, पश्चिम इसको अपन मालदा गैप भी बोल देते हैं। वेस्ट बंगाल में इस गैप का नाम मालदा गैप है, इसको राजमहल गारो गैप बोल दो, इसको मालदा गैप बोल दो, इसको जो मर्जी इसको बोल दो। गारो खासी जयंतिया में शिलोंग, शिलोंग सबसे ऊंची पीक है तीनों में, और मेघालय का पठार। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने बताया औसत से अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे बारिश यहाँ पे औसत से अधिक होती है। उसका कारण क्या है वो भी आप मानसून की जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये मानसून आया अपने यहाँ पे, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रांच ये गई और एक ब्रांच ये गई। अब ये सीधा जाके इस एरिया में यहाँ टकराती है, यहाँ टकराने के कारण ये इस तरीके से चूल्हे जैसी शेप होती है, तो उसी में ये फंस के रह जाती है ये ब्रांच अपनी, और यहाँ पे सर्वाधिक बारिश करवा देती है। तो ये सर्वाधिक बारिश यहाँ पे हो गई। तो सर्वाधिक बारिश के कारण क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, बारिश के कारण क्या होती है, यहाँ पे लीचिंग होती है। अब मिट्टी के कंपोनेंट में क्या होता है, एक मिनरल्स होता है जो हैवी होते हैं, आयरन और सिलिक, मतलब आयरन एल्यूमिनियम वगैरह ये हैवी होते हैं। एक होता है सिलिका जो हल्का होता है, सिलिका पानी के साथ बह जाती है, बच गया क्या आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन एल्यूमिनियम बचता है, जब इन पे धूप लगती है तो ये पक जाता है, ईंट की तरह लाल हो जाता है, इसको लेटराइट मिट्टी बोल देते हैं। और इस लेटराइट में बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, सदाबहार वन का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो आप जब भारत का वन क्षेत्र का अपन विस्तरण विस्तारण पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे अपन 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलते हैं। अतः इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक है, और बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक होने के कारण इसको कि अपन क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी अपन इसको बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय को या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय को, आप जो भी इसको नाम देना चाहें। चलिए फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं अपना सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, तो सतपुड़ा रेंज में देखो क्या होते हैं, ये अपनी विंध्या रेंज, इसके नीचे ये सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के कंपोनेंट्स ऐसे, एक विंध्या और अरावली की तरह कंटिन्यूस रेंज नहीं है इसकी। जैसे गुजरात में इसकी राजपीपला है, मध्य प्रदेश में इसकी महादेव है, महादेव की धूपगढ़ पीक है, बैतूल प्लेटू है, गाविलगढ़ प्लेटू है, छत्तीसगढ़ में इसकी मैकाल रेंज आ जाती है, और फिर उसके आगे अपन ने वो बड़ा ईस्टर्न प्लेटू का ये छत्तीसगढ़ बेसिन आ गया, और मैकाल रेंज और इन दोनों के बीच में ये बेसिन रेंज आ गई। इसी मैकाल रेंज में ये एक प्लेटू है अमरकंटक, जिसको अपन बोलते हैं अमरकंटक प्लेटू। इसी अमरकंटक प्लेटू से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है। इसी से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, सोन रिवर निकलती है। सोन रिवर किसकी ब्रांच है, गंगा रिवर की, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा रिवर की राइट एंड ट्रिब्यूटरी है, बाकी गंगा रिवर की मोस्टली राइट एंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है, अमरकंटक प्लेटू ऐसा है, जैसे एक रिवर निकली नर्मदा, किधर गई, अरेबियन सी में। एक रिवर निकली सोन, किधर गई, आपकी बे ऑफ बंगाल में, वाया गंगा। ठीक है, ओके, फिर बेसिन रेंज हो गया, बैतूल प्लेटू का, सतपुड़ा के पर्वत केंद्रीय। अच्छा, सतपुड़ा रेंज जो है, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके डेक्कन प्लेटू आ जाएगा पूरा। तो सेंट्रल हाईलैंड को डेक्कन प्लेटू से अलग करने वाली संरचना कौन सी होगी, विंध्या बोल सकते हो, सतपुड़ा बोल सकते हो, जो भी है दोनों करती हैं। अच्छा जी, फिर अपन पढ़ते हैं डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन ये है अपना डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये डेक्कन ट्रेप,
ये वाला ट्रायंगुलर रीजन, डेक्कन ट्रेप रीजन, ठीक है। फिर अपने इसको ये बोल दिया कर्नाटका प्लेटू, और इस बच्चे को अपन बोलते हैं आंध्रा प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में तीन चार पर्वत रेंज हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। कौन कौन सी? सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इनके जो ईस्टर्न, जो इसका स्लोप है वो पूरा का पूरा डेक्कन ट्रेप में आएगा, और जो इनका वेस्टर्न स्लोप है, जो इधर वाला वेस्टर्न स्लोप होगा वो आएगा आपके वेस्टर्न घाट में, ठीक है। फिर कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू को अपन दो पार्ट में बांटते हैं। एक है इसका जो बेंगलोर प्लेटू और मैसूर प्लेटू, वैसे इसका बाबा बुदान हिल और वो प्लेन वाला रीजन, मतलब जो इधर कोस्ट के पास की तरफ है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है जिसको अपन बोलते हैं बाबा बुदान और या मलनाड, ठीक है। और उसके उधर का जो प्लेन रीजन है उसके ऊपर वाला बेंगलुरु का प्लेटू, नीचे वाला मैसूर का प्लेटू, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं अपन। ये पूरा कर्नाटका प्लेटू को डिवाइड करते हैं। फिर आता है आंध्रा प्लेटू। आंध्रा प्लेटू में देखो आप, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये रिवर, इस रिवर को अपन क्या बोलते हैं? गोदावरी रिवर। और जो बाबा बुदान हिल्स हैं, यहाँ से एक रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो अब गोदावरी और जो आंध्रा प्लेटू है उसमें कृष्णा रिवर के ऊपर वाले रीजन को अपन बोल देते हैं तेलंगाना प्लेटू, और कृष्णा के नीचे वाले को अपन बोल देते हैं रायसलीमा, रायलसीमा का प्लेटू, ठीक है। फिर कृष्णा के नीचे एक रिवर और निकलती है, यहाँ से पेनेरू रिवर, ठीक है। अब इसी में अपन ये देखते हैं कि सबसे ऊपर अपन ने देखा महानदी रिवर आई थी, फिर इंद्रावती जो गोदावरी में मिल जाएगी, फिर कृष्णा रिवर हो गई, फिर पेनेरू रिवर हो गई, और फिर कावेरी रिवर हो गई, ठीक है। अब जो महानदी है और गोदावरी है, इसके बीच में कोस्टल एरिया में चिल्का लेक एस्टैब्लिश्ड है, चिल्का लेक मिलती है। फिर गोदावरी और कृष्णा के नीचे आपको मिलती है, इसके बीच में कोलेरू लेक, और कृष्णा और जो पेनेरू जो रिवर है इनके बीच में आपको मिलेगा नल्लामाला माउंटेन रेंज। क्या मिलेगा? नल्लामाला माउंटेन या नल्लामाला हिल्स बोल देते हैं इनको। और पेनेरू और कावेरी के बीच में आपको मिलेगी लेक पुलिकट। ये नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से साउथ आपको ऐसा क्रम पूछा जा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये रिवर्स हैं और उनके नाम के हिसाब से इसको याद करना ज़रूरी है। ओके, अब डेक्कन प्लेटू, तो एक बार एक रीडिंग मार लेते हैं इसकी फटाक से। तो ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है, इसको डेक्कन ट्रेप बोलते हैं। इसका इतने अक्षांश इतने से हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र से बनी है, गोदावरी नदी का इससे संबंध है। फिर कर्नाटका को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो इधर कोस्टल वाला एरिया उसको मलनाड बोला, उधर वाले को प्लेन बोला, प्लेन को बेंगलुरु और मैसूर में डिवाइड किया। बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी कुदरेमुख है, और यहाँ पे आयरन की माइंस भी हैं काफ़ी, इससे आयरन मिलता है, तो बाबा बुदान हिल्स में आयरन की माइंस हैं, ठीक है। कर्नाटक का, ठीक है, मलनाड हो गया, ये हो गया, ओके। और कर्नाटक का पठार का संबंध किससे है? कृष्णा नदी से है। फिर अपन ने पढ़ा आंध्रा का पठार, अपन ने पढ़ा था आंध्रा का पठार, उसको अपने रायसलीमा और तेलंगाना के पठार में डिवाइड किया था कृष्णा नदी के बेसिस पे। कृष्णा नदी से जो उस नदन वाला एरिया था वो तेलंगाना का पठार था, और उससे नीचे वाला रायलसीमा का पठार था। इसके साथ जो रिवर्स का नाम लिखा हुआ मैंने आपको डायग्राम में बताया है। रायलसीमा प्रदेश में पेनेरू और जो कोलेरू झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी अस्थायी झील है। जो कश्मीर वाले में अपने वुलर झील पड़ी थी, वो वुलर झील थी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वो स्थायी थी। ये कोलेरू झील है, ये अस्थायी झील है, क्योंकि ये इसमें जल भराव क्षेत्र होता है, वैसे कोई परमानेंट लेक नहीं है ये।